बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज हम बर्फ़ी जनरेटर के ताल्लुक से यहाँ पर मुतालिया करेंगे। तो यह बर्फ़ी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब ये किस तरह वर्क करके हम ना करंट इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती, इसका एक छोटा सा नमूना में देखने की कोशिश करेंगे तजुर्बे के ज़रिए से। यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर दिखाया गया है। गैल्वेनोमीटर वो आला है जो किसी भी बर्फ़ी सर्किट में बर्फ़ी मोर्चों के बहाव को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी जो रीडिंग्स हैं ज़ीरो दरमियान में हैं और दोनों जानब 30-30 यहाँ पर निशानात दर्ज किए गए हैं। ये जो है ये बर्फ़ी मोर्चों के बहाव की सिमत को बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं, ये दो टर्मिनल्स कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो जनरेटर का यहाँ पर एक मॉडल रखा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल मतलब तांबे के तारों को जो है लपेट कर यहाँ पर एक कॉइल बनाया गया है। और मिग्नातीस के दो खुतबैन हैं, जो रेड है वो नॉर्थ है और जो दूसरे कलर का है वो साउथ है। और जो रेड नॉर्थ है उस पर एक निशान भी यहाँ पर दर्ज है। तो ये मिग्नातीस है और ये कॉइल है। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन हलके हैं। यहाँ पर एक जो हलका है इसके साथ एक ब्रश जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरी जानिब ये जो ब्रश है नहीं है। यहाँ पर भी एक तांबे का हलका है और इसे भी एक ब्रश जुड़ा हुआ है। और ये जो तांबे के जो पूरा हलका है, ये रिंग, ये कंप्लीट रिंग है और एक कंप्लीट रिंग को एक ब्रश जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक तांबे का हलका है, मगर ये तांबे का हलका दो अलग अलग हिस्सों में से तकसीम किया गया है और दो अलग अलग ब्रश इसके साथ तमास में है, इसके साथ कॉन्टैक्ट में है। मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा जो मॉडल है इसमें एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों भी शामिल हैं। यहाँ पर मैं अगर तांबे के दो अलग अलग हलके इस्तेमाल करके यहाँ से अगर मैं करंट को हासिल करूँ तो मुझे एसी करंट हासिल होगा। अगर मैं कनेक्शन इस पॉइंट्स पर दे दूँ तो मुझे डीसी करंट हासिल होगा। यहाँ पर मैं करंट के हासिल करने के लिए यहाँ पर कनेक्शंस दे रहा हूँ। कनेक्शंस देने के बाद में यहाँ पर हमें जो करंट हासिल होगा उसके हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शंस दिए हैं। अब मैं यहाँ पर हरकत दे रहा हूँ। आप गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो के दोनों जानिब सुई हरकत करेगी। चूँकि ये सुई का जो इन्फराज है वो ज़ीरो की दोनों जानिब है, तो इसका मतलब ये जो करंट बह रहा है ये दो रुखी है। तो ये जो हमें करंट हासिल हुआ ये एसी करंट है, ठीक है। और ये एसी करंट मुझे कहाँ पर हासिल हुआ, इन दोनों खात से हासिल हुआ जहाँ पर मैंने दो तांबे के अलग अलग हलकों को इस्तेमाल किया है, जहाँ पर दो अलग अलग ब्रश ये दोनों तांबे के हलकों के तमास में हैं। और आप ये डिफ्लेक्शन या इसका इन्फ्राज देख रहे हैं, ये सिफर के दोनों जानिब है, इसलिए ये जो करंट है ये दो सिमत में बह रहा है, ठीक है। अब मैं इसके कनेक्शन को यहाँ पर निकाल कर एक ही रिंग को दे रहा हूं, जहां पर दो अलग अलग तांबे के हलके के बजाय ये तांबे के हलके एक ही रिंग से तमास में है, कांटेक्ट में है। आप देख सकते हैं यहां पर कि जो सुई का इन्फराज है वो सीफर के सिर्फ एक जानिब हो रहा है। अब मैं मेरे हरकत की सिमत को बदलता हूं तो आप देखेंगे कि सुई का इन्फराज मुखालिफ सिमत में हो जाएगा और वो सीफर की एक जानिब हो जाएगा। तो इसका मतलब इस जो करंट का बहाव है वो एक सिमती है या यूनि डायरेक्शनल है, इसीलिए ये डीसी करंट है। तो यहाँ पर हमें देखें कि एसी करंट जो है इसका जो डायरेक्शन है वो दो सिमती है और जो डीसी करंट है वो एक ही सिमत में बहता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।